ये बच्चे भी ना सुबह सुबह स्कूल के जूते पहनते हैं, बाकी के सारे जूते निकाल दिए, एक भी चीज ढंग से नहीं रखते। स्मिता, स्मिता कहाँ हो? स्मिता यही हूँ। वो बारिश हो रही थी ना तो वो कीचड़ उड़। और मानव ये जूते? ये भी मांस। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ ये जूते इस तरह क्यों फेंके हैं? कितनी बार कहा है जूते इस तरह मत फेंका करो। अब की बार मैं नहीं उठाने वाली हूँ, तुम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कितनी बार कहा है लेकिन समझते ही नहीं हो। सीता, बच्चे समझ जाएंगे, बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। अच्छा हाँ। आपको देखकर तो नहीं लगता हाँ? आपके भी जूते उतने ही गंदे हैं। आप भी ना। अरे वो सब बाइक वाले फुरू करके। स्मिता सॉरी भाई, सॉरी सॉरी बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। पर पापा ड्रेस तो हमारी खराब हुई है, जूते तो मैंने फेंके हाँ। तो फिर आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? अरे इसके लिए नहीं, सुबह मैं तुम लोगों पर गुस्सा हो गया था ना, इसलिए। I'm very sorry. मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। अरे अरे महर मानव, अरे क्या की? तेरे पास दो, मेरे दो, हाँ। किसके दो? स्मिता हाँ। स्मिता मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। सर दर्द की गोली कि तुमने मंगाई थी ना। स्मिता चॉकलेट भी लाया हूँ। बच्चो सारी चॉकलेट खा मत जाना, मम्मी का भी है उसमें। पर चॉकलेट तो खत्म हो गई। शरारती बच्चे, इतनी देर में इतनी सारी चॉकलेट खा गए। चलो कोई बात नहीं। बस आज हम बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हम आपके लिए खीर लाए हैं। खाओ बस खाओ, बस खाओ। अरे वाह रोहित केवल वाह, जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ दे रहे हो तुम लोग। अब बैठो ना, आराम से बैठो, आराम से बैठो। चलो बस आराम, खीर खीर जल्दी करो जल्दी। वाह क्या टेस्टी है खीर यार, बहुत टेस्टी है। मस्त खीर लाई है यार तुम लोगों ने। टेस्टी है ना बस। तभी तो आधी खीर बिल्ली खा गई। बस बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से छीन के लाया हूँ ये खीर। बस सिर्फ आपको तुम मुझे बिल्ली की खाई हुई खीर दे रहे हो? अरे बस ये तो मजाक कर रहे, अब खाओ अब खाओ। कुछ भी क्या बोलता है आजकल, तू बहुत भूलने लगा है। केवल ये खीर कोई बिल्ली बिल्ली ने नहीं बल्कि बॉस के डॉगी टॉमी ने खाई है। ठीक ठीक ये कुछ भी बोलता है रोहित, बस इसे आपको डराया है। अब खाओगे बस ऐसी खीर। हाँ पर बॉस एक बात बताऊं, ये खीर किसी ने खाई नहीं है, ये जमीन पे गिरी हुई थी। अरे बॉस बॉस अब टेंशन मत लो, जमीन एकदम साफ थी। ये कुछ भी बोलते रोहित, बस गार्डन की जमीन साफ हो गई है क्या? नहीं ना, अब रोज टॉमी को उधर घुमाने लेके जाते हो ना। हाँ। केवल तू कुछ भी क्या बोलता है,
वॉश थोड़ी ना साफ है, सब बच्चे उनको गंदा बच्चा ही तो बोलते हैं। अब टेंशन मत लो बॉस। रोहित, अब टेंशन बॉस को नहीं, हमें लेने की जरूरत है। बॉस, भागो! डिशम डिशम वाली कहानी सुना। डिशम डिशम। ए बलू लल्लू तू चुप कर वरना पीट दूंगी, समझा? माँ अब परीलोक की कहानी सुनाओ। अरे परीलोक कुछ नहीं होता। होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। चुप रहो। तुम दोनों को कहानी नहीं सुननी तो बाहर जाओ, मुझे सुनने दो। सॉरी। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक परीलोक है, उस परीलोक में एक बहुत बड़ा झरना बहता है। उस झरने के ऊपर खूब सारी तितलियां उड़ती हैं और उस परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां भी हैं। उन परियों की रानी थी रानी परी। शांत रहो तौबा तौबा, बच्चे सो रहे हैं, सोने दो उन्हें। सो जाओ बच्चों, चैन की नींद सो जाओ, क्योंकि आज की रात तुम्हारे बचपन की आखिरी और प्यारी रात है। ले लो जितने सपने लेने हैं तुम्हें। क्योंकि कल से तुम्हारा बचपन खत्म, बस रह जाएगी एक ही बुरी शक्ति, भयंकर परी। तेरे से आ जा रे अखियान में बिंदिया, आजा वीर से आजा। स्मिता माँ, बच्चों, किसी ने आज का अखबार देखा है क्या? ए यार बापूजी होते तो भी अखबार पढ़ने नहीं मिलता है, बापूजी नहीं है तो भी अखबार पढ़ने नहीं मिल रहा है। अरे भाई अखबार है कहाँ? यहाँ है बाबा। और पापा अब पेपर पढ़ के क्या करोगे? क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, सोने का भाव नीचे जा रहा है और पेट्रोल का प्राइस ऊपर। समझ नहीं आता आम आदमी अपना बचत कैसे करे, इस महंगाई ने तो परेशान कर दिया है। ओ भाई ओ, तो ऐसे बड़ों की तरह बातें क्यों कर रहा है आज? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा पापा। मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन पता नहीं आप हमें कब तक बच्चा समझते रहेंगे। ओ, ये क्या है? आपका चेहरा। ये क्या है? मेरा चेहरा। चेहरे के ऊपर क्या है? लो, नाक है, आँख है। करेक्ट। नाक के नीचे और होंठ के ऊपर, वो क्या? पूंछ है। हाँ तो वो क्यों चिपकाई है? चिपकाई नहीं है बाबा, आई है। उम्र के साथ साथ मुझ अपने आप उग जाती है। और इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, एक तो मुझ रखिए और एक तो मुझ मत रखिए। तो उसमें से दूसरा ऑप्शन आपने चूज किया, पहला मैंने, सिंपल। और पापा आप तो ऐसे चौकड़े जैसे आप मुझे मुझ पर पहली बार देख रहे हो। ओ, पहली बारी तो देख रहा हूँ। डोंट टच पापा, कपड़े खराब होते हैं।
ए भाई ए, तू ऐसे बड़ों की तरह क्यों बातें कर रहा है तू? ओको पापा, अब बड़ों के लिए ना बच्चे बच्चे रहेंगे। कम ऑन पापा, ग्रो अप। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। ओ ओ रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? स्मिता स्मिता स्मिता, अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे भैया, हे तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कुछ रॉकिंग देख लिया हो। रॉकिंग नहीं माँ, शॉकिंग। हाँ वही, सेम टू सेम। अरे सेम टू सेम क्या, ये देखो, ये मूछे देखो, मूछे। अरे कितना प्यारा लग रहा है। अरे माँ, कितनी बार का है, मेरे गाल मत खींचा करो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। आओ म्यूट। दादी म्यूट नहीं क्यूट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। मामा मुझे मुझे लगानी है, मुझे मुझे लगानी है। हाँ 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 रॉकी, हाँ रुक, हाँ अभी मानव निकालेगा ना, तब तू लगा लेना। हाँ निकालेगा मतलब? मैं निकालता हूँ। रॉकी चाचू डोंट टच, नहीं नहीं रॉकी चाचू प्लीज नहीं। क्या मजाक है, पता नहीं कब बड़े होंगे आप सब। ओ हम लोग तो बड़े हैं ही, ये तू बड़े होने की एक्टिंग बंद कर। ये सब आपकी वजह से हुआ है, कल आप ही कह रहे थे ना बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, लो हो गए बड़े। अब चिपका लेना इसने मुझे अपनी चिपकू हमसे, वो भी ऐसे कि निकल ही नहीं रही है। अरे लेकिन मैंने ऐसे रातों रात बड़े होने को थोड़ी कहा था। बाबा मैं बड़ा ही हूँ। ओह गॉड, से क्या हो गया आप लोगों को, ये मेरे असली मूछ हैं। रॉकी चाचू डोंट टच, और अगर आप लोगों ने दोबारा मुझ पर अटैक किया तो मैं वकील होने के नाते आप सब पर केस कर दूंगा। मानव बस अब बहुत हो गया, मजाक बंद करो और जाओ, जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मानव, गुड मॉर्निंग। ये क्या मानव, तू अभी तक रेडी नहीं हुआ, चल जल्दी से ब्रेकफास्ट खा के रेडी हो जा। और हाँ प्लीज कोर्ट जाते हुए मुझे रास्ते में स्कूल छोड़ देना, ओके? मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। प्राणी परी, मुझे संदेह है कि जो शैतानी शक्ति मेरे सुरक्षा कवच से टकराई थी वो शैतानी शक्ति भयंकर परी की भेजी हुई भूरी शक्ति थी। हाँ बालवीर, भयंकर परी की सिवाय हमारा और कौन दुश्मन हो सकता। लेकिन शुक्र है बालवीर, आपके सुरक्षा कवच की वजह से वो पूरी शक्ति आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाई। लेकिन बालवीर, हम इस बात से निश्चिंत होकर तो नहीं बैठ सकते, हो सकता है कि जिस शैतानी शक्ति ने बालवीर पर वार किया उसी ने दूसरे बच्चों पर भी वार किया। अगर ये बात सच हुई तो पृथ्वी लोक के बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा और बच्चों पर कड़ी नजर रखनी होगी। हाँ, क्योंकि भयंकर परी हार मानने वाली नहीं, वह अपने हार का बदला लेने के लिए कोई भी खतरनाक चाल चल सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर, भयंकर परी बुराई का प्रतीक है और भले ही इस वक्त वो अपनी शक्तियों से कमजोर हो लेकिन उसके बुराई को जिताने के इरादे कभी कमजोर नहीं हुए होंगे। तुम सावधान रहना बालवीर, वो भयंकर परी तुम्हारे पीठ पीछे भी वार कर सकती है। हाँ बालवीर, रेतीले दानों के हार के बाद भयंकर परी अब उससे भी खतरनाक चाल चल सकती है। आप अपना ध्यान रखें बालवीर, हमें आपकी बहुत चिंता होती है। माँ नटखट परी,
मैं आपके प्यार और चिंता को समझता हूँ, लेकिन मुझे अपनी चिंता से ज्यादा इस समय बच्चों की चिंता है। मैं किसी भी कीमत पे भयंकर परी को बच्चों को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है, और इसीलिए हम सारी परियों को निर्देश देते हैं कि जब तक उस बुरी शैतानी शक्ति का पता नहीं लग जाता, सारी परियां बच्चों का विशेष ध्यान रखें। जी रानी परी। अरे आप सब तो मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आपने मुझे इस रूप में पहली बार देखा है। माँ टिफिन में क्या है? तुम्हारा फेवरेट थेपले और अचार, वो भी घी में बनाए हुए। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कुछ हल्का ही देना, फ्रूट या सलाद, वैसे ही मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। ए भाई ये तुम दोनों ये बड़ों की एक्टिंग करना बंद करो, मैं मेरी हार मानता हूँ, तुम लोगों का बचपन ही अच्छा है। कम ऑन पापा, जब हम छोटे थे तब आप ही कहते थे कि बड़े हो जाओ वही अच्छा है, अब जब हम बड़े हो गए तब आप ही कह रहे हो कि छोटे ही अच्छे थे। महर, उनको समझाते समझाते दिन निकल जाएगा पर इन्हें समझ में नहीं आएगा, हमारे पास बहुत काम है। पापा मम्मी दादी अब मैं कोर्ट के लिए चलता हूँ, मुझे हेयरिंग के लिए देर हो रही है। ओ पापा डोंट टच, कपड़े खराब होते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, हियरिंग के लिए कोर्ट में नहीं, स्टडी के लिए स्कूल जाना है। चलो दोनों रेडी हो जाओ, चलो स्कूल जाने के लिए। तो जाओ। पर मैं तो स्कूल जाने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। आप आई ना लाइन पर, जाओ जल्दी स्कूल पढ़ने जाओ। माँ पढ़ने नहीं पढ़ाने। आप सब भूल गए क्या, मैं एक टीचर हूँ। टीचर मुझे भी कोर्ट जाना है, कोर्ट जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे लगता है इन लोगों के स्कूल में जरूर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, इसलिए ये वेश बना के रखा है। हो सकता है, याद है डांस कंपटीशन के समय भी ये बच्चे ना हमेशा डांस में ही खोए रहते थे। हाँ। वो जो भी हो, लेकिन आज मैं इन दोनों को खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगा। चलो भाई चलो 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 बैग ले लो, चलो चलो। ओ भाई चलो चलो, तो अच्छा है कि वो बल्लू अपने चाचा के यहाँ से डायरेक्ट स्कूल में आने वाला है, तो वो भी इन दोनों के ड्रामा में शामिल हो जाता। चले बाय मम्मी, बाय पापा, बाय रॉकी चाचू, बाय दादी। ए रुको रुको, मैं आता हूँ। अच्छा मैं छोड़ जा।